नज़ारे तो आप सब लोगों ने देख ही लिए होंगे मुंबई की मरीन ड्राइव के, जहां पर आवाम का एक जम्मे गफीर था। मतलब यूँ समझो कि भैया एक तरफ पानी वाला समुंदर था, उसके बीच में थोड़ी सी खुश्की थी, और इस तरफ जिसे कहते हैं इंसानों का समुंदर था, पानी का समुंदर, उसके सामने इंसानों का समुंदर मुंबई की मरीन ड्राइव के ऊपर। क्या इंडियन क्रिकेट टीम का परेड था, विनिंग परेड, चैंपियंस परेड, आवाम की अप्रिसिएशन, हलाला मची हुई थी। अब उस परेड का ना जो क्लाइमैक्स था ना, क्लाइमैक्स वो पता क्या था, जब विराट कोहली ने रोहित शर्मा को बुलाया, ये दोनों बस के वो ओपन बस उसके बिल्कुल फ्रंट पर आए, जहां पर जितना भी क्राउड उनको देख सकता था वो उनको देख रहा था, और उन दोनों ने जनाब वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी पकड़ करना यूँ अपने फैंस के सामने लहराई और सेलिब्रेट किया। मेरा ख्याल है मरीन ड्राइव के ऊपर इससे बेहतरीन सीन आपको शायद ही कोई और देखने को मिला हो। मतलब ये क्लाइमैक्स था, दो स्टॉलवर्ट्स इंडियन क्रिकेट के इस इरा के, दोनों वर्ल्ड T20 से रिटायरमेंट, मतलब T20 इंटरनेशनल से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया, मेरा ख्याल है हाईएस्ट नोट के ऊपर किया, दोनों लीडिंग रन स्कोरर वर्ल्ड T20 के अंदर, पूरी T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के लीडिंग रन स्कोरर, विनिंग चैम्पियंस, एक विनिंग टीम का कप्तान टीम इंडिया का, दूसरा सीनियर मोस्ट प्लेयर जिसकी इनिंग ने फ़र्क डाला फाइनल मैच में, जिसने टीम इंडिया को पहले कई मैचेस जिताए, खैर दोनों ने काफ़ी मैचेस जिताए हुए हैं, कुल मिलाकर दोनों के मेरा ख्याल है कोई 9-10 हज़ार रन्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में, मल्टीपल सेंचुरीज हैं, सेंचुरीज भी को मेरा ख्याल है 8-9 तो हैं दोनों की मिलाकर, रोहित शर्मा की तो हाईएस्ट हैं, उनकी 5 है शायद, 4 के 5 है शायद T20 इंटरनेशनल्स में 100। तो जिसे कहते हैं ना कि इससे बेहतर आपको ना कोई और नज़ारा मिल नहीं सकता, एक जिसे कहते हैं एक फेयरवेल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इंडियन क्रिकेट फ़ैन वहां पर मरीन ड्राइव के ऊपर मौजूद होगा वो इन दोनों को देखकर उसके जहन में ये तो आया ही होगा ना, या उसके दिल में आया तो होगा कि यार अब मैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में इन दोनों को नहीं देख पाऊँगा टीम इंडिया के यूनिफॉर्म में। ये बात इटसेल्फ एज ए क्रिकेट फ़ैन डाइजेस्ट करना मुश्किल है। मुझे कई इंडियन क्रिकेट फैंस ने बताया, उन्होंने कहा कि यार खुशी तो है लेकिन ये जो इन दोनों के जाने का गम है ये भी कुछ छोटा नहीं है। तो मैंने कहा यार मैं समझ सकता हूँ, आई टोटली अंडरस्टैंड द फीलिंग्स के उनके इंडियन क्रिकेट फैंस के दिल में क्या चल रही होगी, मोहब्बत बहुत ज़्यादा है, दोनों ने टीम इंडिया की, इंडियन क्रिकेट की जिसे कहते हैं सर्विसेज, वो दोनों की बहुत हाई लेवल के ऊपर है, बहुत दोनों ने इंडियन क्रिकेट के लिए किया हुआ है, जिताए हुए हैं मैचेस, परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, फैंस को खुश किया हुआ है, हम्बलनेस है दोनों के अंदर, वो जिसे कहते हैं कमर में सरिया नहीं है या गर्दन में सरिया नहीं है, डिसेंट जिसे कहते हैं आप एक वेल मैनर्ड किस्म के दोनों प्लेयर्स हैं, कोई ऐसा रोला रप्पा, कोई कंट्रोवर्सी, कोई समथिंग इस तरह तो वो भी ऐसा इतना कोई खास नहीं है T20 फॉर्मेट की बात की जाए, इवन अब तो विराट के भी ऐसा नहीं है, जिनके एक ज़माने में एग्रेशन इशूज़ थे वो शादी के बाद उनके सॉर्ट आउट हो गए हैं। तो विराट को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शादी बड़ों को सीधा कर देती है। मेरा इस चीज़ पर ईमान हो गया भाई, विराट को देखने के बाद ना मैंने अंदाज़ा लगाया कि नहीं उस्ताद, वो बड़े बुज़ुर्ग ठीक ही कहते थे कि शादी जो है ना वो बड़ों को सीधा कर देती है, मतलब सेटल कर देती है, जैसे विराट को कर दिया। तो इट्स अ ह्यूज मोमेंट यार, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि मरीन ड्राइव के ऊपर आपको सड़क नहीं नज़र आ रही थी, हालांकि मेरा ख्याल है वो अच्छी खासी खुली सड़क है, वो सड़क नहीं आपको नज़र आ रही थी, वहाँ पर इतना बंदा था, इतनी पब्लिक थी, इट लुक्ड एज इफ के पूरे का पूरा मुंबई उठ के मरीन ड्राइव के ऊपर आ गया, पूरे का पूरा मुंबई। आप इस तरफ देखते हैं तो इंसानी सर आपको नजर आएंगे, इस तरफ देखते हैं तो इंसानी सर, जोश, वलवला, पैशन, जज्बा, कोई ऐसा पॉजिटिव इमोशन नहीं है जो आपको उस क्राउड में ना नज़र आ रहा हो। हर तरह का क्राउड था, मेल, फीमेल्स, लड़के, लड़कियां, अंकल, आंटीज, बूढ़ी उम्र के लोग, बच्चे, स्पेशल जैसे कहते हैं स्पेशली अनेबल्ड पीपल, जिनको कोई थोड़ा बहुत आप जिसे कहते हैं कोई फिजिकल उनके कोई प्रॉब्लम हो बॉडी में, वो तमाम, मतलब यार वहाँ पर हर कोई था यार, वहाँ पर हर कोई था। सोशल मीडिया इस पर्टिकुलर टाइम में जो मतलब क्रिकेट के फॉलोअर्स हैं उनका सोशल मीडिया आप जाकर देखो, आपको इन व्यूज़ फुटेज से भरा हुआ नज़र आएगा। और रोहित और विराट की जो वीडियो है और जो फुटेज है कप उठाने की एक साथ मरीन ड्राइव के ऊपर, वो तो बहुत वायरल हुई पड़ी है, वो बहुत वायरल हुई पड़ी है, और उसी से आपको पता चल जाता है कि इन दोनों का इंडियन क्रिकेट के ऊपर इम्पैक्ट क्या है। ऑब्वियसली इन दोनों को मिस किया जाएगा,
देयर इज एब्सोल्युटली, इसमें तो कोई काउंटर लॉजिक नहीं है कि इन दोनों को मिस नहीं किया जाएगा, इन दोनों को डेफिनेटली मिस किया जाएगा। लेकिन फिर बात वही है दोस्त, स्पोर्ट्स में एक एथलीट आता है, परफॉर्म करता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब उसे वो स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती है। वो उन स्पोर्ट्स के बेशक लेजेंड्स में से भी उसका नाम क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम आता है कि उसे वो स्पोर्ट्स छोड़नी पड़ती है, उसकी बॉडी, बाकी और कई जिसे कहते हैं अहम फैक्टर्स, वो फिर उसको इंडिकेशन देनी शुरू कर देते हैं कि बस यार काफ़ी हो गया है। तो विराट और रोहित का भी यही है, मिस तो उनको करेंगे यार, रोहित को इन पर्टिकुलर, मैं चूँकि रोहित का आपको पता है ज़रा ज़्यादा फ़ैन हूँ, वो एक ख़ास लेवल के ऊपर ना, ह्यूमनली लेवल के ऊपर वो टच करता है आपके दिल को, उसकी कई बातें ऐसी हैं जो मैं कई दफ़ा बता भी चुका हूँ। तो वहाँ पर ना रोहित मुझे ज़रा ज़्यादा मेरा फेवरेट है या अपील करता है। ऐसा नहीं है कि विराट पसंद नहीं है, विराट भी पसंद है, लेकिन रोहित की ना ज़रा थोड़ी बात अलग है, आपको पता ही है किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ। तो मिस करेंगे यार, क्या हो सकता है, फिलहाल इन्जॉय करें इंडियन क्रिकेट फैंस, मैं तो यही कहूँगा। ये मोमेंट आपकी लाइफ में, मतलब विराट और रोहित को लेकर, तो शायद ही दोबारा आए इन अ वे के अब ये दोनों T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं, तो अगर बाद में टीम इंडिया जीत भी गई तो ये दोनों तो आपको विक्ट्री स्टैंड के ऊपर नहीं नज़र आएंगे ना। लाइफ माई फ्रेंड्स, लाइफ इन्जॉय करें। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।